लाइव टीवी एक्सप्रेस खबर पल पल की। प्रतापगढ़ जिले के सदर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा नया पूर्वा थाना सांगीपुर के कालीचरण मिश्रा जो बेहद ही गरीब व्यक्ति हैं, किसी तरह दो कच्चे कमरे के घर में छप्पर डालकर अपना गुजारा करते हैं। इन्हीं के साथ घटना हुई जिसमें इनकी झोपड़ी में आग लग जाती है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया, किंतु इस आग से इनके रहने खाने पीने का आशियाना खत्म हो चुका है। जहां पर गरीबों को आवास, कॉलोनी, शौचालय दिया जा रहा है, कागजों पर हर गांव में बहुत सारी कॉलोनियां दी जा चुकी है, किंतु बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो पात्र होते हुए भी इससे अछूते हैं। घटनाओं के बाद इन लोगों की बेहद खराब हालत की जानकारी हो पाती है। ऐसे कई परिवार होंगे जो इस तरह गुजारा कर रहे होंगे, किंतु उनको देखने सुनने और उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं। आखिर कहाँ चले जाते हैं वो जनप्रतिनिधि जो गरीबों के हमदर्द बनते हैं? आखिर क्यों नहीं मदद करते वो जिम्मेदार जिनको गरीबों के लिए आवास कॉलोनी दिए जाने की जिम्मेदारी होती है? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन उनके जवाब नदारद। घटनास्थल से प्रतापगढ़ से ब्यूरो हरिकेश चौरसिया की रिपोर्ट। जिला प्रतापगढ़ के 33 सदर के अंतर्गत ब्लॉक खंड खंडवा चंदिका के अंतर्गत आप देख पा रहे हैं एक ऐसी मार्मिक स्थिति आपको यहां से रूबरू हो रहे हैं, जहां पर देखने को ये मिल रहा है कि गरीब होना, जिनका अंत्योदय कार्ड भी बना हुआ है, वो क्या अभिशाप बनता जा रहा है क्या? यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास लगातार चल रहा है, मुख्यमंत्री जी इस पर जोर दे रहे हैं आवास शौचालय हर घर में हो, लेकिन क्या ऐसे कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो इस चीज को देखने नहीं आ रहे हैं कि किसको आवास मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कौन पात्र है कौन अपात्र है? जैसे आपको मैं एक मार्मिक घटना से रूबरू करा रहा हूँ, देख रहे हैं कि मैं इस समय हूँ नया पूर्वा बरेंद्र के पास में, जो चंदिका खंड के अंतर्गत आता है, ये ब्लॉक के अंतर्गत ये सभा आती है। इनका एक समस्या सिर्फ ये है, देखिए कि एक ही मकान है इनके पास जो कि कच्चा मकान है और उस पर छप्पर डाल के रहते हैं, बड़े मुश्किल से इनका गुजारा होता है। और कल रात में इनके यहाँ हादसा होता है, दो कमरे का इनके पास मकान है जो छप्पर डाल के रहते हैं, एक में अपने जानवर रखते हैं, दूसरे में स्वयं रहते हैं, कैसे गुजारा करते हैं ये तो यही जानता है, यही परिवार जानता है, लेकिन हादसा ये होता है कि इनके घर आग लगता है और कुछ भी नहीं बचता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, कोई प्रधान या कोई बीडीसी या कोई ऐसा अधिकारी इन तक नहीं पहुंचा है जो इनके राहत की बात करे या इनको कुछ आवास दिलाने की बात करे या इनको तत्काल कोई मदद की जा सके। ये गुहार लगा रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। इस समय शाम के 4 बज रहे हैं लेकिन सुबह का मामला है और अभी तक कोई ऐसा प्रतिनिधि मुझे देखने को नहीं मिला जो इनको राहत दे सके। ऐसे मामले बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसे जब मामले आते हैं संदर्भ में तो वो कितने मार्मिक होते हैं, कितनी पीड़ा देते हैं, ये देखने वाली बातें होती हैं। लेकिन क्या ये उन तक पहुंच पाती है इनकी आवाज, उन अधिकारियों तक, उन जिम्मेदारों तक ये आवाज पहुंच पाती है? क्या उन तक ये चीजें पहुंचती है कि इनको कुछ राहत मिले, इनको आवास उपलब्ध हो, इनको रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए? ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं इनके पास जो इनको मिलना चाहिए, देखने वाली बात होगी। तब तक भी आपको उमेश मिश्रा, क्या कौन सी ग्राम सभा है? ग्राम सभा बरेन। ये कैसी घटना घटी आप कुछ बताएंगे? ये भैया जो है रात में जब हम सो रहे थे और जब उठे तो ये छप्पर जल चुका था हमारा। अच्छा। और दूसरे में जो है आग लगी हुई थी। हाँ। और यहाँ पे गैया हमारी टूट के निकल गई थी, बछिया जल गई थी, हमने वहाँ सिलेंडर निकाला और 10 मिनट में पूरा जल गया तीनों। तो आप का ये झोपड़ी थी? हाँ, छप्पर डाल के रहते हैं? हाँ जी। आवास नहीं मिला अभी तक? नहीं, हमको आवास नहीं मिला है। आप पात्र हैं आवास के? जी, हमारा नाम है, हाँ। राशन वगैरह मिलता है? हाँ। कमाई के क्या जरिया है आपके पास? कृषि। कृषि, हाँ। खेती है कुछ? कितनी खेती? एक बीघा खेती है। एक बीघे खेती में हो जाता है आपका? उसी से, उसी में वो मजदूरी करते हैं? 15-20 है। अच्छा, तो मजदूरी वगैरह अभी करना पड़ता है कि उसी से काम चला लेते हैं? जी, जॉब नरेगा में भी अप्लाई किए हैं, किए भी हैं। अच्छा, अभी नरेगा में आपको काम नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, कार्ड, जॉब कार्ड बन रहा है हमारा, बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, कितने लोग हैं आपके? हम 3 जन हैं जी। हमारी माता जी हैं, बीमारी रहती हैं अक्सर। अच्छा, उनकी दवा चल रही है, अभी दिल्ली से दवा करा के आई है। अच्छा, दवा के लिए भी बड़ी दिक्कत है? हाँ जी। तो कोई समाज सेवी संस्था या कोई मदद करने के लिए सामने आया? कोई कुछ नहीं। कोई नहीं मदद? कोई कुछ नहीं। काफी परेशान है? हाँ जी, परेशान है, इनके पास यही इतना था।